ये 30 नवंबर की रात्रि में घटना घटी थी। 1 दिसंबर को पुलिस को सूचना मिली, इसमें संजय पाहन नाम के एक व्यक्ति की हत्या हुई थी। संजय पाहन डुमरदगा क्षेत्र के पाहन थे और वो बहुत सारे उनके पूर्वजों की जमीन थी जिसको लेकर कई जगहों पर विवाद चल रहा था। तो उनकी हत्या बहुत ही महत्वपूर्ण थी और हम लोग जो है इस दृष्टि से उसका अनुसंधान शुरू किया, कहीं कोई भूमि विवाद से संबंधित मामला तो नहीं है। इन कांड के अनुसंधान के लिए सिटी SP के डायरेक्शन में DSP सदर के नेतृत्व में टीम बनाई गई और टीम ने काफ़ी मेहनत किया और मेहनत करके कांड के बिल्कुल हर परत को इन्होंने खोल दिया। यह ज्ञात हुआ कि यह बिल्कुल पारिवारिक विवाद में घटना घटी है। जो मुख्य घटना का कारण था उसमें था कि संजय पाहन की पत्नी को यह विश्वास था कि इनका एक दूसरी औरत से गलत संबंध है और उस संबंध के चलते ये घर में जो है दुर्व्यवहार करते हैं और इससे वो आज ही जाकर उसने जो है अपने भाई और भाई के चाचा उन्हें यह कहा कि इसे रास्ते से हटाना ज़रूरी है और उन दोनों ने आपराधिक गिरोह से संपर्क किया और यह प्लानिंग लगभग 2-3-4 महीने से चल रही थी और अल्टीमेटली 30 नवंबर की रात्रि में घटना को अंजाम दिया गया। जो पकड़े गए हैं उसमें कुछ बड़े ही शातिर अपराधी हैं, जैसे कि एक आशीष नेपाली है, वह पहले उग्रवादी कांड में और आरम सेक्टर कांड में भी जेल जा चुका है। एक धनेश्वर है, वह भी पहले PLFI का मेंबर रहा हुआ है, 17 CL में जेल जा चुका है। कुल मिलाकर तो 3 जो परिवारजन हैं, पत्नी, साला और साला के चाचा और इसके अलावा 5 आपराधिक गिरोह जिसने ये घटना को अंजाम दिया, सभी लोग गिरफ्तार हो गए हैं। जिस हथियार से और जिस हथौड़े से मारा गया था वो भी जब्त हो गया पुलिस को। हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य हैं और हम लोग आगे इसको विचारण में प्रस्तुत करेंगे। सर, उस दिन ख्याल भी दिया जाना उचित नहीं है, पर यह है कि जब ये वापस घर लौटे तो घर के द्वार के पास ही अपराधी खड़े थे, वहीं पर इन पर गोली भी चलाई गई और हथौड़े से भी वार किया गया। अपराधी से लेन देन का भी कुछ हुआ है? अपराधी को करीब 4.5 लाख रुपया भुगतान किया गया है, जो हम लोग अभी तक अनुसंधान से पता चला है। बाकी उस पैसे का क्या हुआ उसको हम लोग अभी अनुसंधान में ट्रेस कर रहे हैं।